हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र का सियासी दंगल जारी है। थोड़ी ही देर पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव सरकार पर जबरदस्त हमला किया। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे लाचार मुख्यमंत्री बताया। राणा दंपति ने कहा, उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सत्ता मिली थी जिसका वो अब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक महिला को हनुमान भक्ति के लिए जेल में डाल रहे हैं। दरअसल कल उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उसी के जवाब में नवनीत राणा ने औरंगजेब को लेकर उद्धव सरकार को घेरा है। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए। उद्धव ने अपनी रैली में उनके खिलाफ एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? आप पुरुष हैं, आप में हमसे महिलाओं से ज्यादा ताकत है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, पर आपकी ताकत का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है, सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है। हमारा देश जहां पुरुष महिला के पीछे खड़े रहकर साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है और उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने का काम महाराष्ट्र में करती है। औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं। क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या? शिवसेना आज अगर इनके विचारों पर रहती तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को देशद्रोही बनाया जाता। अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती तो गदा हाथ में लेके दिखाते कि मैं हिंदू हूँ। अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती तो औरंगाबाद को ये संभाजी नगर करके दिखाते। औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने की ताकत अगर महाराष्ट्र में किसी में आती है तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार में आती है, ना कि कोई और सरकार में। ऐसी आज तक किसी ने हिम्मत की है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।